मोंटी दीमान जी की फाइल मेरे ऑफिस में पहुंचा देना। जी मैम। मैडम ये लो पूरे 4 लाख रुपए, और जो तुमने मेरे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को रोकने के ऑर्डर दिए है ना, प्लीज उनको कैंसिल करवा दो। पर तुम हो कौन? मैडम मैं सन्नी धीमान, वो जो मैक्स हाइट में डी ब्लॉक में बिल्डिंग बन रही है उसको मैं ही बनवा रहा हूँ, और मैं जानता हूँ मैडम उस बिल्डिंग को रुकवाने के ऑर्डर आप ही ने दिए हैं, प्लीज मैडम उसको कैंसिल करवा दो। ओ, तो तुम हो मिस्टर सनी धीमान। मुझे पता था तुम्हारी बिल्डिंग की कैंसिलेशन ऑर्डर के बाद ना तुम मेरे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए आ जाओगे, और वही हुआ। मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास तुम्हारी बिल्डिंग के लिए सारे अप्रूवल है, सारी परमिशन है, लेकिन उसके बावजूद मैंने उसे कैंसिल करने का ऑर्डर दिए। मैं यहाँ की नई कमिश्नर हूँ, और मैं चाहूँ तो किसी का भी काम बना सकती हूँ और बिगाड़ सकती हूँ अपनी पावर से। मैं जानता हूँ मैडम कि आपके पास बहुत पावर है, आप जो चाहे वो कर सकती है, इसीलिए तो मैं आपको ये पैसे देने आया था। आप ये पैसे रखिए और प्लीज उन ऑर्डर को कैंसिल करवा दीजिए। मैं आपके ऑफिस में भी आया था लेकिन हमारी मीटिंग नहीं हो पाई थी मैडम। ये 4 लाख रुपए देके तुम मुझसे करोड़ों का काम निकलवाना चाहते हो? अरे मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे चिल्लर, लो रखो और निकलो यहाँ से। नहीं नहीं मैडम प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैंने उस बिल्डिंग को बनवाने के लिए बहुत बड़ा लोन ले रखा है, और अगर वो बिल्डिंग नहीं बनी तो मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा मैडम। अच्छा तो तुम्हारे लिए वो बिल्डिंग इतनी इम्पोर्टेंट है, तो तुम एक काम करो, मुझे ये 4 लाख रुपए नहीं पूरे 10 लाख रुपए दो। 10 लाख रुपए? मैडम ये तो बहुत ज्यादा है। करोड़ों की बिल्डिंग बना रहे हो और 10 लाख रुपए तो बहुत मामूली सी बात है तुम्हारे लिए। देख लो 10 लाख को इतनी बड़ी रकम समझ लो, या फिर उस बिल्डिंग को भूल जाओ। लगता है मैडम तो ज्यादा रिश्वतखोर है। क्या बोला तुमने? नहीं नहीं मैडम कुछ नहीं, आपको 10 लाख रुपए चाहिए ना, मैं 10 लाख रुपए आपके ऑफिस में दे दूंगा, लेकिन फिर उसके बाद मेरी बिल्डिंग बनने का काम शुरू हो जाना चाहिए। गुड, ये हुई ना बात, अब 10 लाख रुपए ना मेरे ऑफिस पहुंचा देना। जी मैडम। चलो अब जाओ यहाँ से। मैडम ये लो 10 लाख रुपए आपकी शर्तानुसार, लेकिन अब मेरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम रुकना नहीं चाहिए। ठीक है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी बिल्डिंग का कैंसिलेशन ऑर्डर मैं रोक दूंगी, अब तुम जा सकते हो। ठीक है मैडम। मैम आपने बुलाया? हाँ ये लो पूरे 10 लाख रुपए हैं, तुम्हें अपना घर बनवाना था ना, इनसे बनवा लेना। ये तो आपके पैसे है ना? ये पैसे मेरे नहीं है, बल्कि ये पैसे तुम्हारे हैं, और मैं कोई रिश्वत नहीं लेती हूँ। मैंने तो उनसे इसलिए पैसे लिए ताकि तुम्हें दे सकूँ। मेरे पैसे मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि जहाँ वो बिल्डिंग बन रही है उस जगह पे पहले तुम्हारी कॉलोनी हुआ करती थी, और बिल्डर्स ने पैसे देके उस कॉलोनी को डिमोलिश करा दिया था, और तुम्हें 15 लाख रुपए का वादा करके सिर्फ 5 लाख रुपए दिए थे। सर आप, अच्छा हुआ कि आप यहीं मिल गए। वो जो आपकी बिल्डिंग है उसको तो बनते हुए 2 साल हो गए, और लगभग आपकी बिल्डिंग तैयार भी हो गई है बनकर, और सर आपने अपनी वो बिल्डिंग बनाने के लिए जो हमारे घर डिमोलिश किए थे उसके लिए आप 15 लाख रुपए देंगे, और जिसमें से आपने सिर्फ हमें 5 लाख रुपए दिए हैं। अरे ओ ये नौटंकी मेरे सामने मत कर, तुझे 5 लाख रुपए मिले हैं ना उसी में खुश रह, कहीं वो 5 लाख रुपए भी ना मिलते तो कहीं सड़क पे रह के रोती तू, और अब निकल यहाँ से। देखिए सर अगर आप ऐसा करेंगे ना तो मजबूरन मुझे आपके ऊपर कोर्ट केस करना पड़ेगा, और मैं कर भी दूंगी। तू कोर्ट केस करेगी मेरे ऊपर? जा कर दे कोर्ट केस, एक बात ध्यान रखना बहुत बड़े बिल्डर के साथ पंगा ले रही है तू, तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। फिर भी तुझे कोर्ट केस करना है तो कर दे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि सभी परमिशन इस बिल्डिंग की मेरे पास है। फिर भी तुझे कोर्ट केस करना है तो जा कर दे, चल अब निकल यहाँ से। इसलिए मैंने उस बिल्डर से 10 लाख रुपए लिए ताकि तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा सकूं। लेकिन मैम आपको इन सब के बारे में पता कैसे चला? डॉली जब भी कोई इंसान किसी एरिया में कमिश्नर बनता है तो उस एरिया की पूरी जानकारी लेता है, मैंने भी वही करा, और मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ कितना अन्याय हुआ है, और मुझे इस ऑफिस में भी तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम कितनी अच्छी इंसान हो, बहुत ईमानदार हो, और तुम्हारे साथ कितना गलत हुआ है, तो मेरे रहते हुए तुम्हारे साथ गलत होते हुए मैं कैसे देख सकती थी। तो बस इसीलिए मैंने उस बिल्डर से ये पैसे निकलवाए ताकि मैं तुम्हें दे सकूँ। थैंक यू सो मच मैम। आजकल के टाइम में कौन इतना किसी के बारे में सोचता है,
और वैसे आपको एक बात बताऊं, जब आपने उनसे पैसे लिए ना तो मुझे लगा आप भी बाकियों की तरह रिश्वत खोर हो, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं डॉली, तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो, तुम्हें तो मेरा प्यार मिलना चाहिए। अब तुम जाओ और अपना घर बनवाओ। ठीक है।